दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नैना बुटीक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम अंडरवियर की कटिंग और एंड स्टिचिंग दोनों सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है वो कपड़ा लिया है 1 मीटर, मैं आपको नाप के बताता हूँ। यह है यहाँ पर पूरा 1 मीटर कपड़ा और इसको हम कर देंगे डबल फोल्ड इस तरीके से, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड कर दिया है और डबल फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पर देखो इस तरीके से जो ओपन वाला हिस्सा है वो इस साइड में रखा है और बंद वाला हिस्सा उस साइड में है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे एक निशान इस प्रकार, और इससे नीचे जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 2 इंच का, जो हम जिसमें नारा डालेंगे, नेफा वगैरह लौटेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लास्टिक भी डाल सकते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों इसके बाद में हम यहाँ पर इसकी जो लेंथ रखेंगे ना, वो रखेंगे यहाँ पर 16.5 इंच। अगर आपकी जितनी भी आती है आप उतनी रख सकते हैं अपने साइज़ के अनुसार। तो दोस्तों आप अपनी चॉइस के अनुसार लंबाई ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ रखूँगा 16.5 इंच और बाकी का जो नीचे रह जाएगा उसको हम फोल्ड कर देंगे अपने बॉटम में। अब दोस्तों यहाँ पर जो हम रखेंगे, ठीक है, लंबाई वो हमने जो रखी है ना पूरी, वो रखी है 16.5 इंच, मैंने आपको बता ही दिया था। अब इस निशान को कर लेंगे हम बिल्कुल सीधा इस प्रकार। अब सीधा करने के बाद में अब इसका हम रखेंगे मोहरी, ठीक है। तो हम मोहरी रखेंगे अपने चॉइस के अनुसार, मैंने यहाँ पर रखी है 14 इंच, और यहाँ पर रखेंगे इसका आसन, इस निशान से नापेंगे यहाँ पर हम 14 इंच। ये हमने यहाँ निशान लगा दिया, उसके बाद में इस निशान को इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ पर दे देंगे राउंड यानी कि गोलाई। ये हमने मार्जिन छोड़ रखा है इस तरीके से, गोलाई थोड़ी सही करके ले लेते हैं, थोड़ी लंबी हो गई इस प्रकार। और उसके बाद में हम यहाँ पर रोमाली के लिए हमें कपड़ा निकालना है म्यानी के लिए, तो हम यहाँ लेंगे 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इस निशान को आसन वाले निशान से मिला देंगे, ठीक है, और इस तरह क्रॉस कर लेंगे। अब हमारे यहाँ रोमाली निकलना है ना, अब इसको हम कर लेते हैं कटिंग। इसको हम इस प्रकार पूरा कट कर लेंगे और नीचे की साइड से जो ये जॉइंट है इसको कर लेंगे अलग, क्योंकि हमारे दो पैंचे हैं दोनों अलग अलग कर लेंगे जॉइंट हैं स्टेम। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे कंप्लीट, हमारा अंडरवियर कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी हमें निकालना है म्यानी, तो हम यहाँ पर इसकी म्यानी निकालेंगे इस प्रकार। ये यहाँ पर 4 पट्टियाँ हैं तो हम 2-2 जोड़ लेंगे और 2 की 1 रुमाली बन जाएगी। इसको आप 8 इंच तक लंबा कटिंग कर सकते हैं म्यानी को। देखो ये हमारी इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे हम इसको इस प्रकार, ये 2 है ना, इस तो यहाँ पर हम इस प्रकार इसको ज्वाइंट करके इतनी चौड़ी रुमाली कर लेंगे, ठीक है, इस प्रकार। चलते हैं मशीन पे, सो करते हैं कंप्लीट। तो दोस्तों हम आ गए हैं मशीन पे, और मशीन पे आने के बाद में हम सबसे पहले यहाँ पर ज्वाइन करेंगे रुमाली इस तरीके से। तो हम इस प्रकार पूरी सिलाई लगा लेंगे। हमने यहाँ पर पूरी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे पैर की, तो पूरी सिलाई कर लेंगे ऊपर से ना, हमें पैर की सिलाई लगाना है इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर हमारी रुमाली हो चुकी है कंप्लीट। अब इसको हम अपने पैंचे में ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। हमें एक ही पैंचे में दोनों रुमाली ज्वाइंट करना है, तो इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब पलट के पैर की सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। अब इसी प्रकार हमें दूसरी रुमाली लगा लेना है, दूसरी रुमाली भी हम इस प्रकार लगा लेंगे और इसके भी ऊपर से लगा लेंगे सिलाई। ये हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में अब हमें अपना एक रुमाली ये लगा दी, एक ये लगा दी, ठीक है, दोनों रुमाली एक ही पैंचे में लगाई है। अब हमें अपने दोनों पैंचे अटैच कर लेना है और ऊपर से जो हम सिलाई लगाएंगे वो हम 1.5 इंच पे आकर रोक देंगे और 1.5 इंच का देंगे गैप, जिससे हमें अपनी चिड़िया खोल सकें जिसमें हमारा नारा पड़ता है इस तरीके से, और नीचे तक सिलाई लगा देंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे आप पहली बार आएँ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ऊपर से लगाएंगे सिलाई, और जो मार्जिन है वो रुमाली वाली साइड में लेंगे अंदर को, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देंगे ऊपर से सिलाई, ठीक है, सिलाई को पूरा करेंगे। और यहाँ पर आके दरस फाड़ लेंगे इसकी, ठीक है, जो भी मार्जिन है, क्योंकि दरस फाड़ेंगे जब यहाँ पर चुड़िया खुलेगी नारा वगैरह डालने के लिए। इस तरीके से सीधे लेके आएंगे, फिर यहाँ पर सिलाई को वापस कर लेंगे, जहाँ से मुंह खुला है वहाँ पर इसको कर देंगे खूब पक्का। अब दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी चिड़िया खोल दी है, ठीक है, इस प्रकार। अब हमें इसी प्रकार हमें सेम तरीके से अपनी दूसरी सिलाई लगाना है इस साइड में। यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि ऊपर से 1.5 इंच पे लाके एक सिलाई रोक देंगे और 1.5 इंच का देंगे गैप। यहाँ पर हम ने सिलाई दोनों लगा ली हैं, दोनों यहाँ पर चिड़िया कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारे नीचे की साइड रह गई, ठीक है। अब हमें ऊपर से करना है इसका नेफा फोल्ड, 1.5 इंच चौड़ा फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमने जो मार्जिन छोड़ा था नेफे के लिए वो 2 इंच छोड़ा था, क्योंकि आधा इंच जाएगा इसका मार्जिन अंदर। तो हम यहाँ इस प्रकार 1.5 इंच का अपना पूरा नेफा फोल्ड कर रहे हैं। इसी तरह पूरा नेफे को फोल्ड करेंगे। इस सिलाई को पूरा कर लेंगे हम इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर नेफे को पूरा कर लिया है, ठीक है। अब नेफा फोल्ड होने के बाद अब हमें यहाँ पर नीचे की साइड इसकी बंद करना है, ठीक है। ये ऊपर का नेफा हो गया और ये साइड हो गई नीचे की, तो इस वाली साइड को हम बंद कर लेंगे, ठीक है। पूरी सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार, रुमाली के जॉइंट मिला देंगे, जॉइंट आपको सब मिलाना है। अब हमने यहाँ पर पूरी सिलाई कर दी है, अब इस पे हमें लगाना है डबल सिलाई, ठीक है। इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देंगे, तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद इसकी ये मोरी फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। इसको करेंगे फोल्ड, इसको कर लेंगे 1 इंच फोल्ड। आप जितना मार्जिन लेना चाहें उतना यहाँ पर ले सकते हैं, अगर आप 1 इंच छोड़ें तो 1 इंच का मोरी फोल्ड कर लें, 1.5 इंच छोड़ें तो 1.5 इंच की फोल्ड कर लें, ये आपके चॉइस के ऊपर है। तो हमने यहाँ पर ये पूरी मोरी फोल्ड कर दी है, ठीक है। इसी प्रकार हमें अपनी दूसरी मोरी फोल्ड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों मोरी फोल्ड कर दी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा अंडरवियर हो चुका है कंप्लीट। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आएँ प्लीज़ सब्सक्राइब करें।